अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे पत्ता गोभी और प्याज की पकौड़ी, बहुत ही टेस्टी। सीजन है ठंडी का, पत्ता गोभी खूब मिल रही है हरी हरी। ये मेरी पत्ता गोभी है एक बाउल, और इसमें हम प्याज भी डालेंगे एक बाउल, और दो हरी मिर्ची हमने इसको कट कर लिया बड़ी बड़ी। देखिए ये मेरा मसाला है, कुटी लाल मिर्च है, अजवाइन है, कॉर्नफ्लावर है, हल्दी है, गरम मसाला, नमक। इसमें डालेंगे सारे मसाले अपने। हम इसमें डालते हैं बेसन, ये मेरा एक कप बेसन है, ये छना हुआ बेसन मेरा रखा हुआ है। अब इसको हम डाल लेते हैं पूरा। अब हम इसको पहले करेंगे मिक्स, थोड़ा सा मिक्स करके और फिर उसके बाद पानी डाल के इसकी पकौड़ी बना लेंगे। इसको हमने मिक्स कर लिया, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अब इसको पूरा मिला लेते हैं और फिर पकौड़ी बनाते हैं तो आपको दिखाते हैं। देखिए मेरा मिक्स हो गया, अब हम इसमें डालेंगे, मेरा तेल कढ़ाई में गर्म हो रहा है, दो चम्मच, इससे बड़ी करारी बनेगी पकौड़ी। अब छानते हैं तो आपको दिखाते हैं। देखिए इसमें हमने बहुत थोड़ा सा पानी डाला था, सूखी सूखी बनाएंगे, सूखी सूखी रहती तभी अच्छी बनती। अब छानते हैं, अब देखिए इसको छोटी छोटी छानेंगे। ये देखिए मेरी पकौड़ी छन रही है, इसको पत्ता गोभी की पकौड़ी करी कल रखते हैं। ये देखिए मेरी पकौड़ी हो गई है, थोड़ा सा और हो जाए। देखिए मेरी पकौड़ी हो गई है, देखिए इस कलर की होना चाहिए। अब ये जब इस कलर की बनाएंगे तो बड़ी करारी रहेगी, खाने में बहुत टेस्टी बनेगी। अब ये हम और थोड़ी छान लेते हैं फिर सर्व करते हैं तो आपको दिखाते हैं। देखिए मेरी पत्ता गोभी और प्याज की पकौड़ी बनकर तैयार हुई है, हो गई, बहुत ही करारी बनी हुई है। आप लोग इसको बनाइएगा ज़रूर और कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि ये कैसी बनी है। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बनाइए।